होम कुकिंग विद शेट्टी में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ अक्षता और आज हम बनाने जा रहे हैं संक्रांत स्पेशल, वो है तिल गुल की चिक्की। संक्रांत के टाइम में तिल का बहुत ज़्यादा महत्व है। बहुत सारे लोग तिल को बहुत अलग अलग प्रकार में, अलग अलग तरह से अपने फूड में इंक्लूड करते हैं। सो आज हमने उसमें से एक जो सबसे ईजीएस्ट और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, वो है तिल गुल की चिक्की। तो चलिए चलिए साथ में बनाते हैं इस रेसिपी को। अब इसके लिए अब हम एक कढ़ाई या फिर एक कोई शैलो पैन में, यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप तिल। ये मैंने पॉलिश्ड वाला नहीं, जो अनपॉलिश्ड तिल होता है वो यहाँ पे यूज़ किया है। इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक ये एक एरोमेटिक स्मेल नहीं देता और इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं होता। इस तिल को ऑर्गेनिक तिल कहते हैं या फिर गावरान तिल ऐसे कुछ कहा जाता है। सो ये पॉलिश्ड वाला आप प्रेफर कर सकते हैं, आपको अगर अच्छा लगता है पॉलिश्ड आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला एक नॉर्मल तिल यूज़ किया है। सो इसे हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट करके लेंगे। ठंडी की सीज़न में तिल से काफ़ी सारे चीज़ें बनाई जाती है। तिल के लड्डू होते हैं, तिल का चिक्की होता है, फिर तिल का एक प्रकार का एक चटनी बनता है। काफ़ी सारे चीज़ें होता है, बनती है। सो हमारे घर पे संक्रांत के टाइम पे हम एक तिल की एक चटनी बनाते हैं, जिसकी मैं रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही इजी है और बहुत टेस्टी है। वो आप बना के एक 2-3 वीक तक उसे आप खा सकते हैं। वो भी रोस्टेड तिल का बना हुआ रहता है, बहुत टेस्टी होता है। ठंडी में तिल खाना वैसे भी लोग प्रेफर करते हैं, बिकॉज़ वो ओरिजिनली बहुत गर्म कहा जाता है तिल को। तो ठंडी में थोड़ा खा लिया जाए तो ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता उसका। बट तिल के बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ बनाते हैं। जैसे मेरे ऑफिस में मेरे कुछ कलीग्स हैं, कुछ मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो दिल्ली से है और नॉर्थ से है, अलग अलग पार्ट ऑफ नॉर्थ से है। तो उनके वहाँ पे गजक बनता है, जो कि एक्चुअली तिल का ही है, बट थोड़ा अलग तरह से बनता है। बहुत ही टेस्टी होता है वो भी। इस बार अब कोविड की वजह से हम ऑफिस नहीं जा रहे, तो वो चीज़ मैंने मिस किया है। बहुत टेस्टी गजक नहीं तो खाने मिलता था। संक्रांत के नेक्स्ट डे टिफ़िन में सभी ले आते थे। अब ये तिल काफ़ी रोस्ट हो चुका है, आप सुन सकते हैं इसका एक क्रैकलिंग आवाज़ आ रहा है। इसे 1-2 मिनट के लिए और हम चलाएंगे। तिल को रोस्ट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये दांतों में ऐसे चिपक जाता है। तो इसे रोस्ट करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर। इसका एक स्मेल भी अभी काफ़ी अच्छा एरोमेटिक स्मेल आना शुरू हो गया है। सो अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इस सेम पैन में हम थोड़ा सा यहाँ पे लगभग 1 से कुछ 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे देसी घी लेंगे। ये घी भी घर पे बना हुआ है, इसकी रेसिपी भी हमने बनाई थी। रेसिपी आप अगर हमारे आपने इस रेसिपी को मिस किया है, घी कैसे बनता है, तो उसे आप हमारे इस वीडियो के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे उस रेसिपी को व्यू कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप गुड़। यहाँ पे गुड़ मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था, आप ग्रेटेड गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं या फिर उसे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए, ताकि ये फटाफट से इसका पाक बोलते हैं या फिर ये काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो जितना जल्दी जितने छोटे पीसेस में रहेगा ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा और आपको इसकी चिक्की बनाने के टाइम ज़्यादा इसे वेट करना भी नहीं पड़ेगा। और गुड़ जब ज़्यादा पकता है तो आपकी चिक्की एक्चुअली जितनी कड़क बोलते हैं या फिर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, सॉफ्ट होता है, वो सब डिसाइड होता है आप किस तरह से गुड़ को पिघलाते हैं और कितनी देर तक पिघलाते हैं।
वो आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए अगर आप गुड़ को छोटे पीसेस में कट कर ले तो आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा। इसे हम पूरी तरह से मेल्ट कर लेंगे। एक बार ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाए और उसके बाद ये एक सर्टेन बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। तब तक हमें इसे उबालते रहना होगा ताकि गुड़ पक जाए, और फिर हम चेक भी करेंगे कि इसका जो चिक्की बनने के लिए हमें जितना ये गुड़ कड़क या फिर कितना पकना चाहिए वो हुआ है कि नहीं। ठंडी में गुड़ और तिल का बहुत महत्व है, क्योंकि गुड़ भी एक तरह का हीट गरम किस्म का गरम, इसे कहते हैं गुड़ गरम होता है ऐसे कहा जाता है। तो इसे ठंडी में बहुत खाया जाता है, काफ़ी सारे जगह ठंडी में गुड़ और तिल को खाया जाता है। बहुत अलग अलग प्रकार के इसकी मिठाइयाँ भी बनती है, जैसे मैंने कहा था। ये बेसिकली हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर आप शक्कर से कंपेयर कीजिए करिएगा तो गुड़ उस हिसाब से काफ़ी काफ़ी बेटर है, हेल्थ बेनिफिट्स इसमें काफ़ी है। ऑब्वियसली अगर आप उसे एक कंसिस्टेंट अमाउंट में खाएं, ना कि बहुत ज़्यादा खाएं बिकॉज़ हेल्थ के लिए अच्छा है, बट इसमें भी ऑब्वियसली साइड इफ़ेक्ट्स होंगे ही बिकॉज़ ये मीठा है, बट एज़ कम्पेयर टू शुगर ये काफ़ी बेटर है। अब गुड़ काफ़ी पिघल चुका है, कुछ एक दो पीसेस है जो थोड़ा और पिघल रहा है। मैंने यहाँ पे गैस का आँच एकदम स्लो रखा है ताकि ये बाकी का जो पीसेस है वो अच्छे से पिघल जाए। इसके ऊपर एक काफ़ी फोमी टेक्सचर क्रिएट हो रहा है। हम एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बोल में पानी लिया है, थोड़ा सा गुड़ यहाँ पे मैं इसमें ड्रॉप करके चेक कर रही हूँ कि ये परफेक्टली रेडी हुआ है या नहीं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी कड़क हो गया है, मतलब ये इसका जो रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी भी है वो बन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा तिल जो हमने रोस्ट करके साइड में रख दिया था। अब तिल को हम गुड़ के साथ फटाफट से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे गैस का आंच मैं बंद करके ले रही हूँ बिकॉज़ गुड़ काफ़ी गर्म है, और इसे हम अब अच्छे से तिल के साथ मिक्स कर सकते हैं। इसे और गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें एक अच्छा सा शाइन भी आ गया है। इसे अच्छे से मिक्स करें। अगर आपको इलायची पसंद है तो आप इसमें इलायची भी ऐड कर सकते हैं, वो एक अच्छा फ्लेवर देगा। मैं यहाँ पे ये प्लेन चिक्की बनाने वाली हूँ। ये अच्छे से अब मिक्स हो चुका है। अब हम इसे स्प्रेड करने के प्रोसेस पे चलेंगे फटाफट से। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल थाली ली है जो खाने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसे यूज़ किया है यहाँ पर। अब इस थाली पे हम थोड़ा सा हमारा जो घी है उसे स्प्रेड कर लेंगे जो मैंने बचाया था। ये स्प्रेड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे मैं अब एक ब्रश के हेल्प से स्प्रेड कर रही हूँ। इवनली स्प्रेड कीजिएगा पूरी थाल पे। अब हम हमारा ये जो तिल और गुड़ का जो मिक्सचर है उसे इस पे पोर कर लेंगे। इसे हम थोड़े
स्पैचुला के हेल्प से इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। ध्यान रखिएगा ये बहुत एक्सट्रीम गर्म है, तो आप एकदम ऐसे हल्के हाथों से करें। ध्यान रखिएगा आपके हाथों पे कोई छींटे ना पड़े, क्योंकि इसका बर्न्स बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम पेनफुल रहेगा। सो इसे हल्के से, अगर आपके पास इस तरह का एक बेकिंग स्पैचुला है तो वो यूज़ कीजिएगा, इजी पड़ता है स्प्रेड करने के लिए। या गर्म है करके मैं इस स्पैचुला से फ़िलहाल इसे मूव अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ जितना हो सके। अब यहाँ पे मैंने एक बेलन लिया है जो आपका यूजुअल आप यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए। मैं थोड़ा सा घी इस बेलन पे भी लगा के ले रही हूँ ताकि हम इसे जब रोल करेंगे तो वो इजी पड़ेगा और इस पे कोई कुछ भी चिपके ना। तो मैं यहाँ पे बेलन की मदद से इसे पूरी तरह से पतला बेलने की कोशिश कर रही हूँ। जितना आप पतला बनाएंगे उतना अच्छा बनेगा। सभी तरफ से आपको इवनली बेलना है ताकि कोई भी जगह से ये थिक ना हो, कहीं पे पतला कहीं पे मोटा ना हो, तो आपको वो ध्यान रखना होगा। तो अब ये पूरी तरह से हमने इसे अच्छे से बेल लिया है। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। सो गुड़ काफ़ी जल्द से जल्द क्या कहते हैं, बहुत ही फटाफट से ये हो जाता है, सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, कड़क हो जाता है। सो इसे ज़्यादा देर नहीं लगना चाहिए, तो मैं इसे थोड़े देर के लिए थोड़ा ठंडा होने दूंगी और इसको हम फटाफट से एक कट दे देंगे। अब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, मतलब थोड़ा सा ये फ्लोई कंसिस्टेंसी से थोड़ा सा स्टिफ हो गया है, तो अब हम इसके कट्स करके लेंगे। एकदम ठंडा होने के बाद ये कट्स नहीं कर सकते आप, तो इसलिए बेटर है कि आप ये जब हल्का सा थोड़ा जमना शुरू हो जाए तो इसे कट्स दे दीजिएगा, ताकि फिर ये जब पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो आपको इजीली इसके कटिंग करना इजी पड़ जाएगा। अब मैंने इस चिक्की को ऑलरेडी एक थोड़ा सा सेमी सॉलिड था तभी इसे कट्स करके ले लिए है। जब ये पूरी तरह से फर्मली ठंडा होगा और बहुत अच्छा से सॉलिड बन जाएगा तो हम इसे कट करेंगे और फाइनली ये डन हो जाएगा। हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पे। अब हमने इसे पूरी तरह से ठंडा करके ले लिया है। अब मैं यहाँ पे एक शार्प पॉइंटेड एज का एक चमचा, या फिर इसे जहरा कहते हैं मराठी में, उसे ले रही हूँ। सो इसे हम अब डिसमेंटल करेंगे। यहाँ पे मैंने एक्चुअली एक डिसमेंटल करने का कोशिश किया था तो ये इस तरह से हो गया है। सो इसे भी हम यहाँ पे अब देख सकते हैं इस तरह से हमारा तिल का ये चिक्की है रेडी। इसे ब्रेक करके चेक करते हैं, ये बहुत ज़्यादा भी कड़क नहीं है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, परफेक्ट है और पतला भी है, बहुत मोटा नहीं है, तो ये खाने में भी बड़ा क्रिस्पी है। रुकिए मैं एक बार खा के देखती हूँ ये कितना क्रिस्पी बना है। आपको कुछ आवाज़ आया? मैंने खा के देखा तो बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी ट्राई कीजिएगा घर वालों के लिए, बाहर से लेने से ये बहुत बेटर है। और बताइए कैसा रहा? ये विराज भी खा रहे थे। तो इस तरह से ये रेसिपी हमारी हो गई है रेडी, ये डिश हो गया है हमारा रेडी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। ऑल्सो हमारे इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे बाकी के सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। थैंक यू एंड हैप्पी कुकिंग।